गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेसन टू वर्ण विचार, जिसका कि कल हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया था और एक तरह से दोबारा रिवीजन किया था बच्चों हम लोगों ने, कि वर्ण विचार में कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। आज हम लोग उन्हीं के आधार पर प्रश्न उत्तर का कार्य करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज की कॉपी में, व्याकरण की जो कॉपी आपने बनाई है, जिसमें आपने लेसन वन कंप्लीट किया है, उसी में लेसन टू आगे डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे, डेट डालिएगा और क्वेश्चन नंबर वन डालिएगा। पहले वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया है, रिवीजन भी कराया है, आज उसका आंसर आपको लिखाने जा रहे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वे वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है ना, कि जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जिसको और भाग नहीं किए जाते और नहीं तोड़ा नहीं जा सकता है, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बच्चों कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको बताया था मैंने बच्चों कि वर्णमाला में वर्णों का एक क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर वर्णमाला बनी है। इसका आंसर है बच्चों, वर्णों के निश्चित क्रम को, निश्चित का मतलब समझते हैं ना, व्यवस्थित क्रम, जो एक निश्चित एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में बच्चों दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। बाद में हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर टू, कि वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं बच्चों, स्वर तथा व्यंजन। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। वर्णमाला में आपको बताया मैंने कि दो प्रकार के वर्ण हैं, तो पहला स्वर, तो हम लोग स्वर की परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, स्वर की परिभाषा लिखो। आंसर है बच्चों, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बच्चों, आपको मैंने बताया था ना कि स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये हिंदी भाषा में हमने बताया था आपको बच्चों कि कुल 11 स्वर होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक मैंने 11 वर्ण आपको बताए थे कि स्वर वर्ण है ये, इनकी मात्राएं भी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं, ये देखते हैं कि स्वर के कितने भेद किए गए हैं, स्वर को अर्थात कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब समझते हैं ना बच्चों, जो हम मुंह से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के आधार पर बच्चों स्वरों को तीन भाग किए गए हैं, अर्थात तीन भेद किए गए हैं। पहला है बच्चों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, जो छोटा होता है उसको, इसको छोटा स्वर भी कहते हैं, इसको बोलने में कम समय लगता है। फिर हमने आपको बताया था दूसरा दीर्घ स्वर, ये जो होता है आपका दीर्घ स्वर बच्चों, ये ह्रस्व से इसमें बोलने में दुगना समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाता है। फिर बच्चों हमने आपको बताया था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमने आपको बताया था कि ये अपने आप में एक होता है और इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। बच्चों, इसके लिए एक ही वर्ड है ओम, जिसको कि खूब लंबी ध्वनि के साथ बोला जाता है, उच्चारण के द्वारा
इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन था कि स्वर को के कितने भेद किए गए हैं। तो बच्चों उच्चारण के आधार पर स्वरों के तीन भेद किए गए हैं, उनके नाम है बेटा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तो बच्चों हो गए आपके चार क्वेश्चन के आंसर। पहला आपने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर आपने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको मैंने लिखाया। फिर था स्वर की परिभाषा लिखो, फिर आपने स्वर की परिभाषा लिखी। इसके बाद हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन स्वर के कितने भेद किए गए हैं, ये हमने आपको बताया कि ये उच्चारण के आधार पर इनके तीन भेद किए गए हैं, इनके तीन नाम हैं, इन तीनों नामों को लिखा, इनको अलग अलग डिफाइन इसमें नहीं कराया है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा इसको आगे कार्य कराएंगे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन सहित अपनी लैंग्वेज की कॉपी पर लिखने हैं और लिखने के बाद उन्हें याद भी करना है। इससे क्या होगा बच्चों, ये आपका लेसन धीरे धीरे तैयार होता जाएगा, क्योंकि फिर आपको अपने यूनिट टेस्ट के लिए आपका ये तैयारियां होती रहेंगी। इन्हें अपनी कॉपी पर लिखिएगा और याद भी करिएगा। धन्यवाद बच्चों।